सरकारी प्राइमरी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब बनकर तैयार, बुलंदशहर से बड़ी खबर है ये। प्राथमिक स्कूल में 12% बड़ी एडमिशन की संख्या। प्रारंभिक दौर में 100 प्राइमरी स्कूल में शुरू हुई लैब। सीडीओ अभिषेक पांडे ने एस्ट्रोनॉमी लैब बनाने का दिया था सुझाव। रिश्ते हुए कलंकित भाई ने की भाई की हत्या। रायबरेली से बड़ी खबर है ये। मामूली कहासुनी में छोटे ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। दोनों भाइयों में साथ बैठकर पी थी शराब। हत्या के बाद से आरोपी छोटा भाई फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदोहर थाना क्षेत्र के पास की घटना है ये। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ खुलासा, बुलंदशहर से बड़ी खबर। लाखों की कीमत के पटाखे हुए बरामद। प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में सप्लाई की थी तैयारी। एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के कसेर कला का मामला है ये। ये थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना डिबाई को आज एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पटाखों के निर्माण की सूचना मिली, जिसके क्रम में डिबाई पुलिस द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान डिबाई पुलिस द्वारा भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित पटाखे अवैध रूप से बनाए जा रहे थे, उसकी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।